गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम चलते हैं अपने पार्ट 10 की तरफ, जिसका नाम है झांसी की रानी। आज हम उसके शब्दार्थ करेंगे। झांसी की रानी, इस पाठ में क्या बताया गया है, ये किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इसमें क्या बताया गया है कि जो झांसी की रानी थी, जिसने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, उसकी वीरता का वर्णन इसके अंदर किया गया है कि उसने कैसे अंग्रेज़ों को हार का सामना करना सिखाया था और उसने अंग्रेज़ों से कैसे आज़ादी प्राप्त की थी, किस तरह से उसने अंग्रेज़ों का विरोध किया था और अंग्रेज़ों को मुंह की तरफ गिराया था, यानी मुंह के बल गिराया था, उनको बुरी हार दी थी और वो जीत गई थी। ठीक है, झांसी की रानी पार्ट 10। क्या नाम है? झांसी की रानी। कौन सा पार्ट है? 10। यहाँ आप डे लिखोगे, यहाँ तिथि लिखोगे, यहाँ दिवस यानी दिन और यहाँ तिथि दिनांक, जो आपकी डेट है वो। यहाँ शब्दार्थ लिखोगे, इधर अर्थ, इधर शब्द। यहाँ डबल लाइन लगाओगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना आपको जैसे इस बच्चे ने कर रखा, बहुत अच्छे से कर रखा इसने। कृतज्ञ, उपकार को याद रखने वाला। मदमाती, मस्त होने वाली। अमिट, कभी न मिटने वाली। दिवा, देवताओं जैसी। द्वंद्व, दो वीरों में युद्ध। आसमान, जो बराबर नहीं हो। रनिवास, रनिवास होता था रानी जहाँ पर रहती थी, महल के नीचे का जो कमरा उसको बोलते थे रनिवास, रानियों के रहने का कमरा। बेजार, परेशान, पीड़ित। सरेआम, सरेआम मीन्स सबके सामने। नीलाम, बोली लगाकर सामान बेचना। नौलख, बहुमूल्य, यानी नौलखा होता बहुमूल्य, बहुत अधिक कीमती। बिकानी, बिक्री लेना या बिकना। बातों, बात आसानी से, यानी बात बात में ही वो काम कर दिया, बिल्कुल आसानी से कर दिया। घात, प्रहार या आक्रमण करना। कौन किसात, कौन बिशात, सॉरी भाई, कौन बिशात कि उसकी क्या औकात है। व्रजनिपात, करारी चोट। पैर पसारना, विस्तार करना। अनुनय विनय, प्रार्थना निवेदन जिसको बोलते हैं। काया पलटना, यानी बदलाव आ जाना। मर्दानी, मर्दों के समान योद्धा, क्या कहा था उसे, मर्दानी। मर्दानी क्यों कहा था? क्योंकि वो मर्दों के समान वीर बहादुर थी, इसलिए उसे मर्दानी कहा था। भ्रकुटी, भौहें जिसको बोलते हैं, ठीक है। भौहें क्या होती हैं? आँखों के ऊपर जो आपका हिस्सा होता है उसको हम भौहें बोलते हैं। भ्रकुटी तानना, क्रोध करना, क्रोध में जैसे आँखें ऊपर करते हैं ना, तो उसको बोलते भ्रकुटी तानना। फिरंगी, अंग्रेज, अंग्रेज को क्या कहा उसने, फिरंगी। आपने एक सीरियल आता था झांसी की रानी, उसको देखा हो, उसने बार बार ये ट्यून आती थी ना, भाग फिरंगी भाग, तो वो किसको कहती थी, अंग्रेजों को, फिरंगी कहा था उसने। छबीली, छबीली का मतलब होता चंचल। कृपाण, तलवार। पुलकित होना, प्रसन्न होना। विषम यानी डरावना। अपचार, जिससे पार पाना कठिन हो। अपार, जिससे पार पाना कठिन हो। वीरगति पाना, युद्ध में शहीद होना। वीरगति पाना मीन्स युद्ध में शहीद होना। खिलवाड़, खेल। आराध्य, आराधना के योग्य। भवानी, पार्वती, पार्वती। व्यूह, घेराबंदी। दुर्ग, किला। धन संपत्ति, वैभव। विरुद्धावली, यश की कहानी। सुभट, अच्छे वीर। उदित हुआ, जगा, यानी उगा, जगा जिसको हम बोलते हैं, उदित होना, किसी चीज़ से जागना। कालगति, मृत्यु की चाल। काल मीन्स मृत्यु, गति मीन्स चाल, मृत्यु की चाल। काली घटा घेर लाना, मुसीबत आना। काल घटा घेर लेना, मुसीबतें आना। विधि, ईश्वर। शोक समानी, शोक में डूबी। शोक समानी, शोक में डूबी, यानी दुख में डूबी। दीप बुझना, मर जाना। लावारिस, जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो, यानी उसके वंश का कोई भी उत्तराधिकारी न हो। बिरानी, सुनसान, एकदम से जहाँ कोई भी शोर शराबा न हो। अश्रुपूर्ण, आंसू भरी हुई, यानी आंसुओं से भरी हुई, अश्रु मीन्स आंसू, पूर्ण भरी हुई। विषम, कठिन, विषम मीन्स क्या होता है, कठिन।
ओके। वेदना, पीड़ा या तकलीफ, आहत, घायल, अपमान, बेइज्जती। पुरखे, पूर्वज, ये कहते हैं ना मेरे पुरखों की ज़मीन है, मेरे पूर्वजों की ज़मीन है, मेरा पुश्तैनी घर है, पुश्तैनी ज़मीन है, पुरखों का घर है, ठीक है, मेरे पुरखों की निशानी है। पुरख मीन्स पूर्वज, यानी जो दर पीढ़ी दर चला आ रहा हो। अभिमान, गौरव या बड़प्पन। रणचंडी दुर्गा का एक रूप होता है, रणचंडी। आह्वान, किसी को बुलाना, न्योता देना। ज्योति, प्रकाश या पुंज। अंतरम, अंतरतम, हृदय से, अंतरतम से यानी अंतर मन से, हृदय से। लपटे छाना, प्रचंड रूप से फैल जाना। लपटे छाना, प्रचंड रूप से फैल जाना। उकसाना, प्रेरित करना, उकसाना, प्रेरित करना। चेती, जागृत हो गई, चेती मीन्स जागृत हो गई। इस चेती के अंदर बेटा ये जो आगे वाला वर्ड है ये रोंग हो गया है, ओके, ठीक है, ये जो चेती वर्ड है ये रोंग हो गया है, इसलिए उसने ये यहाँ पर दिया है। काम आना, कुर्बानी देना। गगन, आकाश। जुर्म, अपराध। अभिराम, सुंदर। निरंतर, लगातार। सवर्ग, सिधारा यानी मर गया, सवर्ग सिधारा मर गया। अधिकार करना, कब्जे में करना या कब्जे में लेना। तत्काल, तुरंत, अचानक से, तत्काल, तुरंत, ठीक है, ये सब क्या हैं इसके वर्ड मीनिंग है। आपको क्या करना है ये बहुत ही अच्छे से लर्न करने हैं और राइट करने हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।